वहीं मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर के साथ यूपी, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल में भारी बारिश का अलर्ट है। गाजियाबाद में आज सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए गाजियाबाद के डीएम ऋतु महेश्वरी ने स्कूल बंद रखने का आदेश दिया है ताकि स्कूली बच्चे बारिश की वजह से फंस ना सके। तो आज चार राज्यों में भारी बारिश हो सकती है, अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में अलर्ट जारी कर दिया गया है। तस्वीरें साफ तौर पर बयां करती है कि किस तरह से बारिश की वजह से दिक्कतों का पहाड़ यहां पर टूट पड़ा है। घुटनों तक पानी, गर्दन तक पानी, घरों में पानी घुस रहा है, घरों से पानी निकालने को मजबूर है, कहीं सोसाइटी के फ्लैट खाली करवाए जा रहे हैं, कहीं सड़क धस गई है, कहीं फ्लाईओवर डूब गया है। ये तमाम तस्वीरें बताती हैं कि हाल बेहाल हो रखा है एक दिन की भारी बारिश में। और कहते हैं पानी और हवा की रफ्तार को ना तो कोई सरहद रोक सकता है ना पहाड़। ऐसा ही हुआ है हिमाचल के सिरमौर जिले में। पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। जब ऊंचे इलाके से पानी इकट्ठा होकर नीचे उतरता है तो कैसी भयावह तस्वीर होती है, आप पहले इसे देखिए और फिर इसकी पूरी कहानी आपके सामने रखेंगे। तो जरा सोचिए, आप पहाड़ों से गुजर रहे हों और अचानक पानी का ऐसा हमला हो जाए तो आप क्या करेंगे। मगर पहाड़ पर रहने वाले लोगों की जिंदगी का ये हिस्सा है। पथरीली जिंदगी जीते जीते पहाड़ पर रहने वालों को आदत पड़ चुकी है। मुश्किलों का सामना करना जैसे किस्मत में है। पानी रफ्तार में सड़क पर उतरा तो सब कुछ बहा ले गया, दोनों तरफ गाड़ियां ठहर गई। जब सैलाब ठहरा तो सड़कें खाई में चली गई थी। बाद में लोग गाड़ी पार करने के लिए खुद मरम्मत में जुट गए। भारी बारिश की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग 707 कोटा शिलाई लालढांग और नाहन हरिपुर धार मार्ग कई घंटों तक बाधित रहा, जिससे लोगों को यातायात में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो सैलाब इंसान की जिंदगी को किस तरह से यहां पर धराशाही कर देता है, फिर भी कोशिशें लगातार इसी बीच जीने की होती हैं। तस्वीर आपके सामने। हिमाचल के सिरमौर की तस्वीर आपके सामने है, जहां पर ये कोई पहली बार नहीं है। हर बार बारिश के बाद यही झेलना पड़ता है यहां रहने वाले लोगों को।